के जोला गणेश तो यहाँ पर ये देखिए मुझे भी मिल चुकी है बर्फी। और दीदी जी लोग बोल रहे हैं पर यही अच्छा रोटी वो आती नहीं। अरे पागल मुझे बोला है लगे मेरी सुवार गिरी दबारा सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो हम एकदम फर्स्ट क्लास है। बाकी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 10:30 बजे से और मैं भी पहुँच चुका हूँ कदोला गाँव में। तो कदोला गाँव में है शादी संजना की, तो आज उन्हीं की हल्दी हाथ है बांधने। तो चलिए आपको ले चलते हैं हल्दी हाथ बांधो में, तो बने रहेगा ब्लॉग में। और जी ठीक ठाक हुआ कैसे ना हुआ मेरी पर्स यार। अच्छा पर्स है क्यों, चलो बैठे। आशीष भी हाँ। गोलू ने भी नहा लिया है, आ जा। हेलो यहाँ पर ताई जी भी मिल चुके हैं, ताई जी भी पहुँच गए हैं लुधियाना से घर। और कन रहता सफर बढ़िया कन जी, ठंड उन्होंने की गर्म आइया के बढ़िया ठंड लगना है ना। हाँ चलो बढ़िया। नानी जी नमस्ते, नमस्ते। ठीक ठाक छो? अच्छा बढ़िया। स्वास्थ्य पानी ठीक छो? अरे नमस्ते। ठीक ठाक छो? हाँ सब बढ़िया, घर में सब बढ़िया। हाँ नमस्ते 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 दी। ओ सब पहुंच गई। नमस्ते भाभी, दिल्ली वाले भी। ओ नानी नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। ठीक ठाक छो? और तुम ठीक ठाक? नमस्ते। हाँ तुम ठीक ठाक छो? सब बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। कल रात सफर कल लो तो यार बढ़िया है ना, ठंडू ठंडू बोल रहे हैं कि गाना गया है नहीं गाना नहीं गाना तो यहाँ पर रहा कदोला गांव का पंचायत भवन। और पंचायत भवन के ही ठीक ऊपर ये रहा दुल्हन लोगों का घर। तो चलिए चलते हैं दुल्हन के घर पे। तो यहाँ पर गेट भी तैयार होने लग गया है। तो दुल्हन लोगों के घर से भी पूरा गांव नजर आ रहा है कदोला गांव, ये देखिए जो कि काफी खूबसूरत सा नजर आ रहा है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं दुल्हन लोगों के घर पे। नमस्ते भैया, मुझसे पहले यहां पर राहुल ब्लॉगर भी पहुंच रखे हैं। नमस्कार जी। Thank you.
चलिए अब चलते हैं पंचायत भवन में खाना खाने के लिए। यहाँ पर हमें हेमू भैया भी मिल गए हैं। पंडित जी मिल गए हैं। कब पहुँचे भैया आप? पंडित जी लाइक कर थैंक यू भाई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप कोई बामड़ी होगी तो आज ऐसी तुम हमारे दोस्त आशीष हमारे क्लास मेट, हमने 6 से 12 तक साथ ही पढ़ा था, काफी टाइम बाद मिलना हो रहा है। तो यहाँ कर रखी है खाना खिलाने की व्यवस्था। तो यहाँ पर तो दीदी जी लोग बैठ भी गए हैं। कन बनो तब बक्तल बैठ गया तुम है चट बोल भी नहीं की चल है। बोल सी मिल के लिए सुनो कन बनो चाची बड़े बनो नमस्ते नहीं मिलगी ठीक है बोले जाओ चटका दार सीधी है क्योंकि चटका रस थोड़ी है। तो यहाँ पर पत्तल भी आ चुके हैं और राहुल भाई भी पहुँच गए हैं। तो आज दोनों के दोस्त पहले पहुँच गए थे, आप लेट हो गए। सही बात है, थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा दिन बहुत ज़्यादा। और खाना भी अब साथ में खा रहे हैं। यहाँ पर सुमित पाल भैया ले आए हमारे लिए चावल और आशीष भाई ले आए हैं पानी का गिलास। तो खाना भी आ चुका है और अब हम खाना खाते हैं, मिलते हैं आप सभी से खाना खाने के बाद। और चाची जी हमारे को खिला रहे हैं।
तो हमने अब खाना भी खा लिया है और अब शायद अब आरती हो रही है, तो चलिए चलते हैं आरती में ले चलते हैं। ये रही दुल्हन की भतीजी, बैल भी हो भेजे हैं बंदा है ना, क्या नाम रखी है इसको? परी। परी की दादी जी, दुल्हन की चाची जी, दुल्हन की दुल्हन चाची तो छी तो मेरे वाले नैना विंग दत्त मेरे बोले हाल। हेलो, तो यहाँ पर पूजा भी संपन्न हो गई है, दुल्हन को स्नान कराने के बाद अब गणेश पूजा में ले गए हैं, तो चलिए देखते हैं। बाकी यहाँ पर से कदोला गांव का भी काफी खूबसूरत सा नजारा नजर आ रहा है, पूरा कदोला गांव नजर आ रहा है, बाकी यहाँ पर ब्लॉगर साहब भी नजर आ गए हैं। मैं भी खूबसूरत नजर नहीं आ रहा हूँ क्या? बहुत खूबसूरत हो, क्या करे, कई लड़कियाँ तो आप पे मरती हैं। धन्यवाद। लड़कियाँ ही तो नहीं मर रही है यार। क्यों? शादी करनी है यार, शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही है। अरे मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी, बहुत जल्द सुबह दिन बार आलू त्यारे भी डोला सजालू बुआरी लेना होनी जेली। तो राहुल भाई को भी बहुत जल्दबाजी हो गई है, तो कोई भी लड़की अगर इनसे विवाह रचाना चाहती हो तो जल्दी से संपर्क कीजिएगा। कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट राहुल रावत ब्लॉग्स, रावत ब्लॉग्स। तो जल्दी से जाइए उनके यूट्यूब चैनल पे और बोलिए कि मैं तेरी पियोली बनाना चाहूँ छो, चल जावा है, जल्दी आओ भैया, हूँ भितर खाली हुई हूँ सा भैया। तो चलिए जी अब चलते हैं हम भी कदोला गांव से, शाम के ठीक 4 बज चुके हैं, तो देखते हैं शाम को आते हैं कि नहीं आते हैं, बाकी नहीं तो कल तो फिर बारात में पक्का आएंगे ही आएंगे। तो चलो आप भी बने रहेगा ब्लॉग में, अब चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए जी चलते हैं, अब जा रहा हूँ मैं कदोला गाँव ठीक न्यूतेर में, अभी तक मैं घर पर आ गया था और अब शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो चलिए अब टाइम से चलते हैं, फिर रात हो जाएगी। तो मैं और भरपूर से चाचा जी भी आ रहे हैं, तो जहाँ पर मुझे वो मिलेंगे आपको मैं बताता हूँ, बाकी बने रहेगा आप लोग भी ब्लॉग में। तो यहाँ पर मिल चुके हैं मुझे चाचा जी, चाचा जी भी आ रहे हैं मेरे साथ कदोला, है ना? हाँ कदोला, चलो। तो चलो अब चलते हैं, रात भी हो गई है हल्की हल्की, अब सीधा मिलते हैं कदोला में। तो यहाँ पर से दुल्हन का घर भी एकदम जगमगा रहा है, ये देखिए डीजे भी आ चुका है, बाकी इधर रहा पूरा कदोला गांव, बाकी जहां पर अभी हम हैं वहां का नाम है जिनकोट। तो अब हम पहुंच चुके हैं ठीक कदोला गांव में, तो चलिए चलते हैं। तो इधर साइड को बनाई जा रही है गर्मा गर्म रोटियां, बने ली रोटा टॉपिक है ठीक टाइम पर आएगी ना मिर्चिया कम बना। तो चाय का आनंद ले रहे हैं पहले, तो मैं ज्यादा चाय नहीं पीता हूँ, चाची जी लोग भी पीने पे लगे हैं चाय, चाय का आनंद। गुड़िया भी आ गई है यहाँ पर बिस्किट नमकीन की, दुल्हन की चाची जी बहुत बहुत धन्यवाद। चाची का डांस शुरू हो चुका है, अभी तो डीजे की शुरुआत है, तभी तो खूब डांस होगा रात भर भाई। शाबाश शाबाश, चने खाते हुई सपना साहब का एक सोचो पूरा हुआ, बह जीते दिया मैं यहाँ जी, तभी मैं बोल का एक सोचो पड़े जा तुम
है। तो चलिए आपको कदोला वालों की रोटियां भी दिखाते हैं। है क्यों बने ली रोटा अभी ब्रेक लगी जरा है सच्चा पानी वेल ब्रेक लग गई चलो बढ़िया। इस वाले चूल्हे पे तो बन नहीं रही है भाई रोटियां। खतरनाक बनाना है और चाची जी ठीक हो? ठीक है आप ठीक हो? हम भी बढ़िया हैं। मम्मी पापा ठीक है? सब बढ़िया। यहाँ पर हमारी दीदी भी बैठ रखी है, गोलियाँ बना रही हैं भाई है? भी है, बुआरी भी है। बुआरी कुछ ही बुआरी अनिता चाची भी पहुँच रखे है। यहाँ पर चने भी फ्राई हो चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से है। भैया जी लोग भी लगे हैं उनको फ्राई करने पे। ये देखिए दिल्ली से आ रखे स्पेशली शादी में। हाँ वही तो बढ़िया बढ़िया पकौड़ी। अरे भांग की पकौड़िया हो गई और चने हो गए और चिकन हो गया। अच्छा और कोटा कलेजी हो गई। अच्छा उसके लिए है काफी सारे आइटम है। अच्छा अदरवाइज वैसे वो नमक में भी पी लेते यही तो खासियत है। चलो बढ़िया है मतलब हमें भी मिल ही जाएगा है ना। बाकी सभी यहाँ पर अभी चाय नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए तो काफी रौनक रहती है भाई गांव की शादी में। ऐसी रौनक शहरों की शादी में देखने को नहीं मिलती है जैसे गांव की शादी में रहती है रौनक। तो यहाँ पर हमारे दोस्त लोग भी लगे हैं काम करने पे चाय पिलाने पे है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाय पिलाने के लिए है। मिष्ठान भंडार खोला खोला। अच्छा क्यों खोलो मन क्यों क्या न पता क्या कर चु। अच्छा सभी को लियो चू का है। ठाट होगी तुम्हारा भाई मजा हुई। यहाँ पर एकदम बर्फी आ रही है भाई। अरे वाह ठीक ठाक है ले आते हैं मतलब बर्फी बूढ़ो ले तो बोल दो ना भाई। ये देखिए एकदम बर्फी एकदम प्योर बर्फी है। चलो बढ़िया बढ़िया खावा खावा भाई बर्फी खूब मीठा खावा। तो यहाँ पर ये देखिए मुझे भी मिल चुकी है बर्फी। और दीदी जी लोग बोल रहे हैं बन यही अच्छा जुबली ने। अरे सारा हम बोल रहे सारा गवा के चलो ये भी बढ़िया ही चूटी का डब्बा तो खाया लिया मिनी जयू छ राहुल और गए लुदिल जयू छ लुदिल जयू छ मिठाई भी है तुम मजा भी रही मतलब। तो यहाँ पर तो एक मिठाई का डिब्बा और आ गया भाई मिठाई देने की कम से कम मिठाई खाते हैं यहाँ से। तो कदोला गांव में एक बात अच्छी है भाई डब्बे में मिठाई खाते हैं। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अरे हमारी सबसे बड़ी दादी है गांव में वही बांटते हमारे माल मंगल दल के अध्यक्ष हैं। अच्छा वही बांटते अयो भी बर्फी है क्या है जी। एक खासियत हमारे गांव की हमारी दादी बांटती है सबको। अच्छा सबसे बड़ी दादी है सारे गांव वाले हमारे अध्यक्ष जी देते हैं उनके ही पास देते हैं सब मिठाई के डिब्बे। अच्छा वही बांटते हैं सबको बांटते हैं छोटे बड़ों को सबको जूनियर ध्यान देने तक उनके हिस्से का घर में देते हैं। अच्छा दे देते हैं ना विद्या का भाई लगी अच्छी खाले भी बच्चू छो भाई हाँ भी तो बच्चू छो कदल गो में के बहुत फायदा भी जानू मैं खाना कौन सके मिल जान भाई। संजय सही बात है बहुत रौनक तो कदल गो में एक डिब्बा है जय गए। अच्छा आपके तरफ से है चलो बढ़िया है। इसमें क्या है अच्छा ये किसकी है ये मिल्क केक भी है क्या।
हमारे लिए रोटी पकाने वालों के लिए जो मिठाई को लाए उसकी कमाई में भगवान बरकत करे, भगवान कमाई में बरकत करे। और अब हमारी पुजाई है, उसमें भी एक डब्बे बांटते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, खाते रहे, हम खाते रहे, भगवान उनको लंबी उम्र दी। सही बात है। ले तेरी मम्मी के लिए और ये तेरे डैडी के लिए। अच्छा ठीक है, तो कहे ये तेरे लिए, ये मेरे लिए। ले आओ बे, बट ये भल जमी दी दू ना खट खट आंद छी लगांद रटता मप्पू के जांद मेरे सरवरिता आज का बीनी अरे वो भगवान खालो आज खालो आज खालो तेरो हाथ की मुंबई भी आ जाइयो आप सीधा, मुंबई भी आ जाइयो आप सीधा। रोटियां पकाने के साथ साथ भाई दोस्तों गाने भी चल रहे हैं और साथ साथ में चिमटा का जो काम है देखो डंडे से हो रहा है भैया, ये तो बड़े टैलेंटेड लग रहे हो मेरे को। अरे वाह, समझी आ रहा है ना, उनके लिए ये प्राइस। अच्छा समझी आ रहे हैं आपके, अच्छा समझी आ रहे हैं आपके। अरे भैया मजा न देगी, मजा न देगी, अरे खाने वाले खाओ वही मजा देगी, अरे रोटी मजा न देगी, मजा न देगी। हुआ भाई हुआ, ताली बजा दो भाई जरा। रोटी बनाने को आती नहीं, अरे पागल मुझे बोला है। अरे पागल नहीं बोला, अरे तुम पागल बोले आप। अरे वीडियो देख रहे हैं पूरी जनता, पागल मुझे बोल रहे हैं। तो कल बारातियों के लिए यहाँ किया गया है इंतज़ाम शायद, बाकी यहाँ पर डीजे भी लगा है, तो रात को यही होगा डांस। बाकी यहाँ पर डीजे की, हाय गाइस कैसे हो? वो बाबा खिलाई, इट्स ओके। तो यहाँ डीजे का इंतजाम भी किया है, तुम लोग भी नचो ना डीजे वाला भैया का की। अरे बचे ले आवत भैया जी, तुम भी मिलिए यहाँ।
यहाँ पर हमारी दुल्हनिया से बधाई हो बहुत बहुत। कैसा लग रहा है? दुल्हन के बड़े भैया भी बिजी हैं, अभी काम काज में है। और कल लगनो तब बेकार भी लगना है, बोल चल दानापुर सौ रास्ता भाई। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, बहुत बहुत बधाई हो, नमस्ते। बाकी यहाँ पर दुल्हन की दोनों दीदियाँ भी मिली हैं, ये बड़ी वाली दीदी है, ये छोटी वाली। अपन नाम भी बता दिया, मेरा नाम है नीलम। अच्छा, और आप? मेरा नाम नीलम। अच्छा नीलम दीदी, बाकी इधर भी है। नमस्ते नमस्ते, बढ़िया। आप दुल्हन की दीदी? अच्छा, आपका नाम? अनीता। अनीता दीदी है। बाकी इधर अभी दुल्हन का शायद मेकअप ही चल रहा है। अच्छा सिस्टर हो आप, चलो। और यहाँ पर चल रहा है दुल्हन का थोड़ा बहुत मेकअप भाई, न्यू ईयर के लिए। हल्दी सुबह हो गई है, बाकी फिर कल आएगी बारात, दूल्हे राजा ले जाएंगे अपनी दुल्हनिया को, जिनके लिए इतना सजना संवरना हो रहा है ना। बाकी काफी सारी रौनक हो रही है, क्योंकि आज कदोला गांव में शादी जो हो रही है। बाकी ये रहा दुल्हन लोगों का घर, नीचे लग रहा है डीजे बज रहा है नीचे, बाकी इधर को रोटियां बन रही है। हेलो गाइस, लाइक बाकी आप सब है कि सब यहाँ कमेंट करें, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद भाई को, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना भी बनके एकदम रेडी हो गया है, बाकी मेहमानों को भी खिलाने लग गए हैं। ये देखिए संजय भाई, हम 50 पतला बैठ लिए हैं। 50 पतला है और 30 रुपए हिसाब से, 30 रुपए हिसाब से हम 50 पतला बैठ लिए। चलो बढ़िया, इनकम बड़े हो गया तुम्हारा आज, है ना? बहुत बहुत बधाई हो। और इस पे सब कुछ जाना बढ़ गया, हम सलाद बढ़ना। अच्छा रेडी जो डाल जाओ भौजी भाई, तो चलिए अब खाते हैं खाना। दाल भाजी, दाल नहीं 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 दाल नहीं। तो चलिए जी, खाना भी खा लिया है, बाकी अभी खाना चल ही रहा है ऊपर, तो हम भी टाइम से निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि रात हो रही है। और मेरे साथी भी मिल चुके हैं हमें, अनु भाई लोग और चाचा जी तो मेरे साथ आ ही रखे थे। तो चलिए हम भी टाइम से निकलते हैं, फिर कल आएंगे फिर शादी में। तो बाकी चलो फिर चलते हैं घर। ये रहे हमारे अनु भाई, जिनके साथ अब हम चलेंगे। नज़दीकी बरात नहीं है ना, तो टाइम से घर जाना पड़ता है। सही बात है, दूर की है थोड़ी, तो फिर कल आएंगे हम, अपना काम भी देखना। कल आएंगे, कल मिलेंगे वो, कल मिलेंगे। बाकी तो चलिए फिर अब चलते हैं, मिलते हैं आप सबसे अगले मजेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि जय उत्तराखंड, धन्यवाद।